विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। ₹40 से वो महिला से सिलेंडर सरकार का रूप में, जय मां बाटपट सरकार रूप में हम खरीद लेंगे। ₹500 टैक्स, ₹500 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा के कुल मिला के ₹50 में पूरा तेलंगाना में सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इसी ₹50 का सिलेंडर अगल बगल पड़ोसी राज्यों में, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसा राज्यों को हम लोगों एक्सपोर्ट करके और रेवेन्यू कमा के लगभग 50 लाख युवा लोगों को इसमें नौकरी मिलने का मेरा योजना है। सुनिए, अगर एक चीज़ यहाँ पे 32 क्या बोलते हैं, ₹50 में सिलेंडर मिल रहा है 72 का, यहाँ 1200 का सिलेंडर है, इससे भी ये सेफ्टी है गोबर गैस का, इसलिए जनता धीरे धीरे इसको खरीद लेगा, ये LPG गैस खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे कहने का मतलब आर्थिक स्वावलंबन लाने के लिए, यानी पूरा 3 करोड़ लोगों को आर्थिक स्थिति बढ़ेगा और कोने कोने पे हरियाली बनेगा और पशु पोषण करने से दूध मक्खन अच्छा आएगा, ये पैकेट का दूध पीने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसके साथ साथ सुनिए, पूरा तेलंगाना में मुफ्त एजुकेशन कंप्लीट, मुफ्त मेडिकेशन देने का हमारा इरादा है, यानी मोहल्ला में नया गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिकल शॉप्स, कॉलेजेस हम खोल के पूरा पेन पेंसिल किताब जो भी चीज़ है बच्चों लोगों के लिए, कहाँ तक पढ़ो मुफ्त मिलेगा और ट्रीटमेंट और क्या बोलते दवा भी फ्री मिलेगा। इसमें कोई जात पात धर्म नहीं है, सारा धर्म हम मिलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, यह हमारा योजना है। और निजी स्कूल, निजी कॉलेज, निजी हॉस्पिटल को पूरा बैन करने का या हमारा सरकार में मर्ज करने का हमारा योजना है, जय मां भारत पार्टी। जो दवा देना है, शिक्षा देना है, ये सेवा भाव कहते हैं, व्यापार नहीं है। आज पूरा उसको व्यापार बना के पूरा जनता को लूट लूट के गरीब बन रहा है, इससे जनता को बचना होगा। इसलिए जय महाभारत पार्टी का एजेंडा ये है, जय महाभारत पार्टी सरकार बनने तुरंत ये फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन पहले फाइल में दस्तखत होगा और दारू बंद करने से हर महिला का 5 लाख में उसका परिवार लोगों का 5 लाख रुपया खर्च बच सकता है। इसलिए और तबीयत भी अच्छा होता, दारू पी रहा है लीवर खराब है, दारू पी रहा है एक्सीडेंट कर रहा है, दारू पी रहा है क्राइम कर रहा है, इतना पूरा कारण दारू है। अरे दारू को बंद करने से, नशा मुक्त करने से 72 तेलंगाना बनेगा। आज तेलंगाना गली गली में दारू बंद, दारू पीने का तैयार हो गया, तेलंगाना का आर्थिक खराब हो गया, देश का आर्थिक मजबूरी में है, देश पूरा बेच दिया। जो केंद्र सरकार BJP इतना है, इतना गंदा है, बोला मत, सारा छोर लोग हम बैठ के वहाँ पे देश को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब बचा क्या है बेचने के लिए, आदमी लोगों को भी फ्यूचर में ये लोगों में बेचेगा। अगर BJP और कांग्रेस भी एक है, कांग्रेस BJP वन काइंड के हेड एंड ट्रेल जैसा है, दोनों में एक ही है, BJP B² कांग्रेस A² ब्लैकमेल एंड बिजनेस B² BJP और करप्शन एंड कलेक्शन कांग्रेस C² B² C² दिस द इक्वेशन ऑफ इंडिया। इसलिए जब तक BJP कांग्रेस खत्म नहीं होता ये देश में, ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये दोनों को विकल्प के रूप में जय महाभारत पार्टी आगे आ रहा है। और इसके साथ साथ आज तक कोई राज्य में नहीं किया, हर MLA क्षेत्र में हम लोगों स्थायी ऑफिस कम रेजिडेंस बनाएंगे MLA लोगों को, उसी क्षेत्र में बैठ के जनता को उन्होंने समाधान करना होगा। जब ये असेंबली मीटिंग है तभी आके असेंबली में मीटिंग करके जाना है, बाकी टाइम जैसा तहसीलदार बैठता है ऐसा MLA भी उसी क्षेत्र में बैठना है 10 बजे से 5 बजे तक, और लोकल लोगों का तुरंत उनका समस्या को सावधान करना है, क्यों वो लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं हम लोगों प्रजा, इसलिए प्रजा बड़ा है, बाय द पीपल, विद द पीपल, फॉर द पीपल, देश में प्रजा बड़ा है, ये प्रजा से कोई यहाँ बड़ा नहीं है, इसलिए वो प्रजा को सेवक है। हम तेलंगाना लोगों को अपील करते हैं, आप लोगों पैसा लेके वोट डालना बंद कर दीजिए, जो सेवा करने वाला MLA वो MP लोगों हमारा सेवक होता है, इसलिए वो लोगों सेवा करना है, वो लोगों से पैसा लेने से वो लोग मालिक बन रहा है, जनता सेवक बन रहा है, ऐसा स्थिति बदलना है। चाहता तो हम 10 रुपये खर्च करके ही अच्छा सरकार को, अच्छा MLA लोगों को जिताना हमारा फर्ज बनेगा। इसलिए जय महाभारत पार्टी ये अपील करते हैं, पूरा तेलंगाना में 119 सीट महिला लोगों को दे रहा है, युवा लोगों को दे रहा है, कृपा करके महिला, युवा, हुजूर लोगों जय महाभारत पार्टी में आके टिकट लेके चुनाव लड़ीजिए। रजा सुल्ताना बनने का समय आ चुका है, झांसी रानी बनने का, आवाज रुद्रमा देवी बनने का समय आ चुका है। तो इसलिए अगर खराब परिवार करने में लोगों से चाबी छीन के माँ घर संभालने में कोई गलत नहीं है, एक परिवार में बड़ा आदमी खराब कर रहा है, पूरा परिवार को दारू पी के सत्यानाश कर रहा है, तो उससे हाथ से
राज्य का चाबी छीन के माँ हो, बड़ा बहू हो या बड़ा बीबी हो, बड़ा बेटी हो, घर को संभालना कोई बड़ा बात नहीं है। एक माँ घर को जैसे संभालते हैं ऐसा माता लोगों अगर जय महाभारत पाठ कर राज्य के द्वारा MLA चुन के आकर सरकार बनाते तेलंगाना में, मेरा उम्मीद है, मेरा आशा है तेलंगाना बेहतर होगा, बाल भविष्य अच्छा होगा। इसलिए एक बार इतने सालों से 70 सालों से ये पुरुष लोगों का अधिक में चल रहा है, एक बार महिला लोगों का मौका देके जो ये लोगों को असेंबली में भेज के एक बार देख लेंगे जनता कितना अच्छा होगा। इसलिए तेलंगाना में हर महिला MLA लड़ने के लिए तैयार होना समय आ चुका है। ये नहीं किसी पार्टी में टिकट नहीं मिला, इसमें टिकट मिला। मैं ये पूरा लोगों को सुन ये सवाल पूछना चाहता, आप MLA बन के सेवा करने के लिए आपका लक्ष्य है, आपका कौन सी पार्टी से क्या लेन देन है? अगर कोई बस नहीं मिला, आप एग्जाम लिखने जा रहा है, दूसरी बस में जाके एग्जाम लिखना आपका मकसद है? ये नहीं मैं उसी बस में है बैठूंगा, उसी बस में है मरूंगा, वो लोगों के लिए मैं गुलाम हूँ, नहीं, ये गुलाम से बाहर आना। कोई कोई पार्टी BJP हो, कांग्रेस में, BRS में, कोई भी पार्टी हो, अगर वहाँ टिकट नहीं मिला रोना नहीं, आप MLA बनके जनता को सेवा करने के लिए आपका फैशन है, आपका मोटा है, उसको इच्छा करने के लिए जय महाभारत पार्टी आमंत्रण कर रहा है और 5 साल के बाद दोबारा टिकट दे देंगे। लाली पापा दिक्कत है पॉलिटिकल पार्टी लोगों, उसमें यकीन मत करना, अभी समय है, फ्यूचर क्या होता पता नहीं है। इसलिए तेलंगाना में पूरा महिला लोगों को घर घर से गाँव गाँव से MLA लड़ने के लिए आप तैयार कीजिए। कृपा करके मर्द बच्चा लोगों भी आपका औरत लोगों को मदद कीजिए सरकार बनाने के लिए, क्यों तो माँ कभी भी बुरा नहीं सोचेगा, सरकार बना के बाद तेलंगाना को अच्छा ही सोचेगा ना औरत लोगों जो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा जय महाभारत पार्टी का आज प्रस्तुत NRA के इंचार्ज है अहमद इफ्तकार अहमद सर, महमद इफ्तकार अहमद सर यहाँ मौजूद है। हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादर सर महूद है और हमारा डॉक्टर सुल्ताना मैडम है, पूरा सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बैठा है और जय महाभारत पार्टी का इंचार्ज रुक्मिणी देवी बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरा तमाम हमारा प्रत्याशी एक एक नाम अभी परिचय करा दूंगा आप लोगों को। 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों चुनाव लड़ने के लिए तैयार में है।